हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट कट केयर। सो आज की इस वीडियो में मैंने स्पेशली सरस्वती पूजा का मेकअप लुक क्रिएट किया है, और वो भी सिर्फ शुज ब्यूटी के कंसीलर पैलेट से, बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने फेस को क्लीन करके सबसे पहले गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड ई सीरम अप्लाई कर लिया है अच्छी तरीके से, क्योंकि विंटर का टाइम है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। एंड सेकेंड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है लैक्मे का ये लिप बाम, बहुत अच्छे से अपने लिप्स पे मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे गुड वाइब्स का नरिशिंग क्रीम। ये आपके फेस को बहुत अच्छी तरीके से नरिशमेंट देता है और स्टिकी भी बिल्कुल नहीं है। एंड मॉइस्चराइज़र आपको अपने ईयर एंड नेक पे भी ज़रूर से अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ किया है इन प्लेस ऑफ प्राइमर, क्योंकि मैं सिर्फ शूट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और अगर मुझे 3-4 घंटे के लिए मेकअप अपना करना रहता है तो मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को डिफाइन करने के लिए शूज ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल आपको 3 कलर शेड में मिल जाती है, ग्रे ब्लैक एंड आपको ब्राउन में मिल जाता है, और इसमें साथ में आपको एक ब्रश भी दिया रहता है जिसकी हेल्प से आपको लास्ट में अच्छी तरीके से कॉम करना है अपनी आईब्रो को, ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो इवेंटली स्प्रेड हो जाए और आपकी आईब्रो जो है बिल्कुल नेचुरल लगे। मैंने यहाँ पे शीज ब्यूटी के कंसीलर पैलेट का यूज़ किया है, और इसी पैलेट से मैं आज अपना पूरा मेकअप करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फेयर शेड चूज़ किया है, जो मेरी स्किन से एक शेड लाइट था, उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन कर लूँगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। कंसीलर को आपको आईलिड पे भी अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, ताकि आप जो भी आई शेडो लगाएं वो अच्छे से उसका कलर जो है पॉप आउट हो, वो बहुत अच्छे से शार्प दिखे। अब दोनों आईब्रोज़ पे मैंने अच्छे तरीके से कंसीलर को अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ उसे, और इससे मैं कंसीलर को ब्लेंड कर दूँगी, ताकि वो कंसीलर की जो लाइन की प्रॉब्लम होती है वो ना हो और इवेनली स्प्रेड हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ पे सेम उसी पैलेट से अपनी स्किन से एक शेड डार्क कंसीलर ले रही हूँ, ताकि जो भी अनइवन स्किन टोन है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी, ताकि वो हाइड हो जाए। अगर आपको कलर करेक्टिंग करना नहीं आता है तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, अपनी स्किन से एक शेड डार्क लेके आपकी जो भी पिगमेंटेशन वाली एरिया है वहाँ पे आप कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में अगर आप चाहो तो ऑरेंज कलर को भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या पिम्पल वगैरह है, रेड मार्क है, तो उसे आप ग्रीन कलर से हाइड कर सकते हो। मैं आगे आपको सब यूज़ करके दिखाऊँगी। एज़ यू कैन सी, मुझे जहाँ भी रेड पिम्पल के मार्क थे मैंने वहाँ पे ग्रीन कलर को अप्लाई कर दिया है उसे हाइड करने के लिए। एंड मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैंने अपने आईज़ के नीचे ऑरेंज कंसीलर का यूज़ किया है, आप इससे अपने डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हो। अब आपको इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है कि वो स्किन से हट जाए, बस आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि वो इवन हो जाए। और स्विस ब्यूटी का ये पैलेट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा HD लुक प्रोवाइड करता है, ईजिली ब्लेंडेबल है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इस एक पैलेट से आपका पूरा का पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। नाउ यू कैन सी मेरा फेस जो है बिल्कुल इवन टोन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लूज पाउडर की हेल्प से अपने आईलेट को सेट कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे जो है आपकी आई शेडो की ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से हो पाती है, एक जगह पे स्टिक नहीं रहती है। अब मैंने उसी पैलेट से अपनी स्किन के एक शेड लाइट कंसीलर का यूज़ किया है एज अ फाउंडेशन। अब कंसीलर को थोड़ा अपने फिंगर से रब करके देन उसे अपने फेस पे डैप डैप करके थोड़े थोड़े अमाउंट में अप्लाई करो। अब आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप फाउंडेशन ब्रश का यूज़ कर सकते हो, और मीडियम कवरेज चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने मीशो से परचेस किया था ओनली 37 रुपीज़ में। ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत स्मूथ होती है, और आप जैसे देख रहे हो ना स्माइल एरिया पे मैंने अपने टंग को कैसे करके मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, सेम आपको ऐसे ही ब्लेंडिंग करना है। इससे क्या होता है आपकी स्माइल एरिया पे जो लाइन्स ही आ जाती है फाउंडेशन की, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। एंड अगर आप बिगनर हो, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, तो आप अपने आई शेडो पैलेट से ही लाइट ब्राउन शेड से अपने फेस की कंटूरिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट से ही ब्राउन कलर से अपने फेस की जो है बहुत ही लाइट लाइट कंटूरिंग कर ली है।
आपको नोज़ को शार्प दिखाने के लिए आपको नोज़ की कंटूरिंग बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करनी है। इससे भी हमारे मेकअप लुक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। एंड आई शेडो पैलेट से ही मैंने ब्लश चूज़ कर लिया है और मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लाइट अपने फेस से एक शेड लाइट कंसीलर यहाँ चूज़ कर रही हूँ और उससे अपने फेस के फीचर्स को हाईलाइट करूँगी, ताकि जो हमारे फाउंडेशन लगाने के बाद जो हमारा फेस एक फ्लैट सा लुक देता है वो उसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाए। इसलिए हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने लगाया है कंसीलर को अप्लाई करेंगे और ये आपके फाउंडेशन से एक शेड लाइट होना चाहिए। एंड मैंने जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया था वहाँ मैंने पाउडर की हेल्प से कर लिया है सेट, और इसे मैं तुरंत ही रिमूव कर रही हूँ क्योंकि विंटर का टाइम है, स्किन ड्राई हो जाती है। और मैंने अपने आईज़ के नीचे थोड़ा ज़्यादा पाउडर लगाया है ताकि आई शेडो है जो भी फॉल आउट हो उसे इजिली रिमूव कर सकें। अब मैंने एक येल्लो कलर लिया है, उसे फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने पूरे आईज़ पर अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी और देन सेंटर पर मैं गोल्डन शिमर अप्लाई कर दूँगी और आउटर वी एरिया जो हमारा होता है आउटर कॉर्नर पे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड दे दिया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और मैंने थोड़ा सा और लुक थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने यहाँ ब्राउन शेड का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ NYBAE का, और जो भी पाउडर थे मैंने उसे रिमूव कर दिया है और मैं लिक्विड हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे एंड इसे अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। आईब्रो बोन एंड आईज़ के कॉर्नर पे भी मैंने ब्रश की हेल्प से लिक्विड हाइलाइटर को अप्लाई कर दिया है। एंड अपने फेस के मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे डूई मेकअप फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे क्लासिक लाइनर अप्लाई कर लिया है, देन काजल अप्लाई कर लिया है। एंड अब मैंने यहाँ पे SQ की लिपस्टिक यूज़ की है रेड कलर की। आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता ही होगा कि ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसी के साथ हमारा जो लुक है वो कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।